दोस्तों बात करेंगे यस बैंक की कि यस बैंक में आपको अलर्ट कब रहना है। मींस आपने अगर इसमें ट्रेड ले रखा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपका प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों मैं ज्यादा न्यूज की बात नहीं करूंगा कि न्यूज आपको ऑलरेडी पता होगी कि जैसे इसमें LIC ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है, बट कुछ दूसरी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने इसमें सेल किया है, तो उसकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एनालिसिस आपको चार्ट पर एनालिसिस बताऊंगा कि आपको प्रॉफिट कब बुक करना है और टारगेट क्या रहेगा। और दोस्तों साथ में आपको बताना चाहूंगा कि मेरी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, काफी लर्निंग वीडियो है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, यहाँ पर स्टॉक मार्केट लर्निंग वाला एक प्लेलिस्ट है, इसमें आप जब जाओगे व्यू फुल प्लेलिस्ट करोगे तो इसमें जो ये है इंट्राडे स्ट्रेटजी फॉर स्पेशल इवेंट और रिजल्ट डे, कि जो स्पेशल इवेंट होते हैं या रिजल्ट आना होता है किसी भी स्टॉक का, तो उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे आप 100% प्रॉफिट कर सकते हो और बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें, इसको मिस मत करें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो। और साथ में अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव मार्केट में लाइव वहां पर फ्री कॉल आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों जिस दिन इसका पहला जब अपर सर्कल लगना था, तब मैंने टेलीग्राम चैनल में अपर सर्कल लगने से पहले ही वहां पर मेंशन कर दिया था कि यस बैंक गोइंग फॉर अपर सर्कल, तो मैंने वहां पर पहले आपको अलर्ट कर दिया था कि अगर आपने इसमें बाइंग नहीं किया हुआ है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और आप देखोगे कि लगातार उस दिन से ये डेली अपर सर्कल लगा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें ट्रेडिंग का मौका नहीं मिल रहा, इन्वेस्टमेंट करने का या एंट्री लेने का चांस नहीं मिल रहा, इसमें ट्रेडिंग हो रही है साथ में सेलिंग भी हो रही है, लेकिन एंड ऑफ डे में वहां पर अपर सर्किट इसमें जरूर लग रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि इसने 10 का लेवल नहीं तोड़ा है, 10 के नीचे नहीं गया है, तो ये यहां पर डेली अपसाइड में ही चलता जा रहा है। लेकिन यहां पर आप देखोगे, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कि ये जो यहां पर गैप रह गया था, ये आप देखोगे ये गैप ये स्टॉक फिल करने एक बार जरूर जाएगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर गैप जरूर फिल होगा। ये जो एरिया है ये है प्राइस 18.14, तो ये 18 का टारगेट एक बार जरूर अचीव करेगा। तो इसलिए अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी करना चाहते हो तो आप इसमें इस टारगेट के लिए जरूर कर सकते हो। और साथ में दोस्तों अगर आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा और टाइम के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहां पर आपका जो टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट रहेगा जहां पर आपने अलर्ट हो जाना है, प्रॉफिट को बुक करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो रहेगा जब ये स्टॉक 50 डेज की मूविंग एवरेज को टच करेगा या इसके ऊपर यहां पर इसकी कैंडल बन जाएगी, तब वहां पर आपने इसमें प्रॉफिट बुक करना है। मोस्टली ट्रेडर आप देखोगे कि इस स्टॉक में अगर किसी भी स्टॉक में अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 50 डेज के ऊपर स्टॉक वहां पर उसके ऊपर कैंडल बन जाती है, तो वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आप इस स्टॉक का बिहेवियर देखोगे कि इस स्टॉक का बिहेवियर ऐसे है कि जब इसमें 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल सस्टेन होती है, कैंडल ऊपर बनती है, तो वहां पर इसमें सेलिंग आती है, वहां पर फिर दोबारा फिर से सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वहीं से स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर जैसे अभी ये प्राइस है इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज का, ये इसका प्राइस है आज की डेट में 20.50, तो आपने उस दिन ये देखना है कि ये इसको टच कर रहा है, इसके ऊपर कैंडल बन रही है, और साथ में अगर वहां पर सेलिंग कैंडल भी बन रही है इसके ऊपर, तो वहां पर आपने इसमें कंप्लीटली एग्जिट कर लेना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर हो। क्योंकि मैं इसको आप बैक टेस्टिंग भी बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप ये देखिए ये 50 डेज की मूविंग एवरेज जो ब्लैक कलर वाली है, इसके ऊपर ये पहले देखिए गया, यहां पर ये बेरिश कैंडल बनी, फिर कंटिन्यू 3-4 दिन बनी, और वहां से ये प्राइस था 32 का, और यहां से फिर से ये गिरकर नीचे आ गया। और इसको हम फिर बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, यहां ये देखिए, यहां पर भी ये देखिए कैंडल ऊपर बनी, लेकिन अगले दिन ऊपर गया, लेकिन वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर, कितना फास्ट सेलिंग प्रेशर इसमें हो गया। और बैक टेस्टिंग आप देख लीजिए, यहां पर भी देखिए 50
50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन काफी दिन रहा। ट्रेडर को लगा कि अब तो यहाँ पर इसमें चाल आएगी ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे सेलिंग हो रही थी और फिर से स्टॉक नीचे की साइड चलना स्टार्ट रहा। तो आपने इसलिए इसमें अगर सिंपल तरीका यही है इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का कि 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर वहां पर आपने अलर्ट हो जाना। आपने देखना है कि वहां पर अगर बेयरिश कैंडल बन रही है या लोअर सर्किट वहां पर लग रहा है तो वहां पर कोशिश कीजिए कि वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर बात करूं कि इसका सेकंड रेजिस्टेंस लेवल भी क्या रहेगा तो वो भी आपका यहाँ पर देखिए कि 25 का इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ये वाला आप जो देख रहे हो ये पहले ब्रेक नहीं कर रहा था काफी टाइम से, लेकिन जब ब्रेक किया तब ये नीचे के लेवल आए, तो ये 25 का भी यहाँ पर इसमें काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और वो दूसरा अगर उसके बाद भी इनकेस ऊपर जाता है टच रहता है तो ये 30 का इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें अभी क्या है कि जब ये पहले इसमें मूव आया था ये इतने बड़ा बड़ा, तब ये यहाँ पर सेंसेक्स का पार्ट था, यहाँ पर बैंक निफ्टी का पार्ट था, लेकिन अब ये बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर इसमें आप देखोगे कि इसमें मूवमेंट जो इसका अपर सर्किट का लिमिट है वो सिर्फ 5% के करीब है। तो इसमें 5% तक ही डेली की मूवमेंट आ सकती है, उससे ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं आ सकती। तो इसलिए इसमें धीरे धीरे ही मूवमेंट आएगी। और इन केस यहां पर कंटिन्यू अगर ये डेली अपर सर्किट लगता रहता है और ये 32 का लेवल के ऊपर कैंडल बन जाती है इन केस, क्योंकि जरूरी नहीं कि 100%, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये 50 डेज की मूविंग एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपने अलर्ट जरूर रहना है कि यहां पर अगर बेयरिश कैंडल बन रही है तो अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लेकिन अगर जैसे यहां पर ये कैंडल बन रही है आज की डेट में, जैसे कंटिन्यू यहां पर डेली ग्रीन ग्रीन कैंडल अपर सर्किट लग रहा है, तो अगर यह 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर भी ऐसी कैंडल कंटिन्यू बनती है तो आपने फिर उसमें बने रहना है। तो फिर आपका यही एक हर्डल रहेगा 30 और 32 का लेवल, इसके ऊपर अगर चलते हैं तो फिर यहां पर स्टॉक फिर काफी तेजी से 40 के ऊपर की तरफ आएगी। इसलिए मैंने आपको सारा सिंपल वे में बता दिया कि आपको क्या क्या कम रिस्क वाले हैं तो किस लेवल पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो किस लेवल पर आपने अलर्ट भी हो जाना है। और अगर आप खुद एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, नहीं डेली ट्रैक कर पाते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पर आपको मैसेज डाल देता हूं, वहां पर अलर्ट जरूर डाल देता हूं कि ये संभावना दिखाई दे रही है। तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा तो वहां पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग का या फिर इसमें बने रहने का। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और साथ में दोस्तों बताना चाहूंगा कि मेरा यहां पर डिस्क्लेमर भी रहेगा कि मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की है वो लर्निंग और एजुकेशन के माध्यम से शेयर की है। आपका अपना इसमें रिस्क रहेगा, आपका प्रॉफिट लॉस वो आपका ही रहेगा। मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।